हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की क्लास कक्षा 8 के लिए मैथ से अभ्यास 1 आई परिमेय संख्याएं। बच्चों अब हम इसी अभ्यास के कुछ और प्रश्नों को भी हल करना सीखते हैं और देखते हैं कि यहाँ काम कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो आपके लिए पार्ट 2 के रूप में है। बच्चों अब हम इस अभ्यास के कुछ और प्रश्नों को भी हल करना सीखेंगे। बच्चों सातवां प्रश्न है, -5/4 और -1/6 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तब हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला लगा देंगे, q बराबर 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो हमारी दोनों ही परिमेय संख्या माइनस में है ना, लेकिन हमें तो प्लस करना है। तो पहली परिमेय संख्या -5/4 है, तो इसे अगर हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर तो ये माइनस की है ना, माइनस का 1/6। ठीक है, तो अब हम इसका एलसीएम लेते हैं हर बराबर करने के लिए। तो 4 का आया 2×2 गुणनखंड और 6 के आए 2×3, तो एलसीएम क्या निकला, 2×2×3 यानी 12। तब अब आप इसको ऐसे समझो, इसको इस तरीके से भी हल किया जा सकता है और जैसा मैंने पिछली वीडियो में समझाया था वैसे भी हल कर सकते हैं। तो 4 कब मेरा 12 हो सकता है, जब मैं इसमें 3 की गुणा कर दूं। 3 की गुणा तो मैं ऊपर भी करूंगी और नीचे भी करूंगी, तो क्या हो जाएगा, -5/3/4/3। अब ये प्लस लिया, ये -1/6। अब 6 कब मेरा हो सकता है 12, जब मैं इसमें 2 की गुणा कर दूंगी, तो 2 की गुणा ऊपर भी करूंगी और नीचे भी करूंगी, तो कितना हो जाएगा, -1/2 = 2×2, और ये 6×2 = 6×12। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 1/2 × -15/12। अब ये प्लस माइनस की जब गुणा होती है तो वो माइनस आ जाता है। ठीक है, अब क्या हो गया, 2/12। अब दोनों ही माइनस के हैं, अब हर मेरा बराबर हो चुके हैं, तो मैं इसको आसानी से हल कर लूंगी। तो -15 में -2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -17/12। अब बच्चों इस 1/2 की गुणा अब -17/12 में कर दी जाएगी, तो -17 = 17/12 = 24। तो वह परिमेय संख्या कौन सी आई, -17/24। तो आंसर क्या बना, वह परिमेय संख्या -17/24 होगी। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आठवां प्रश्न है, 1/3/4 और 4/3/8 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसको पहले ना सरल कर लो, है ना, तो कैसे करेंगे, 4 की गुणा 1 में करेंगे और 3 को जोड़ देंगे, यही किया ना मैंने, 1×4+3/4 कितना हो गया, 4×4=7/4। ठीक है, दूसरी परिमेय संख्या है ना, 4/3/8 को भी सरल कर लो, तो 4 की गुणा 8 में करेंगे और 3 जोड़ देंगे, तो 4×8+3/8 कितना हो गया, 8×32, 32 में 3 जोड़ा 35, 35/8 हो गया। अब हम अपना लगाएंगे फार्मूला। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, q = 1/2, पहली कौन सी संख्या है, 7/4 है, प्लस लगाया, दूसरी कौन सी है, 35/8 है। अब हम इसका हर बराबर करेंगे, तो 4 कब 8 के बराबर हो सकता है, जब मैं इसमें 2 की गुणा कर दूं, तो 2 की गुणा ऊपर भी करूंगी और नीचे भी करूंगी, तो क्या हो जाएगा, 7×2/4×2+35/8। अब कर दो, q = 1/2 ब्रैकेट में 7×14/4×8, ये प्लस और ये 35/8। अब बच्चों जब हर बराबर हो गया है तो अब मैं अंश को आसानी से जोड़ सकती हूँ, तो 35 में 14 जोड़ा तो 49 आया। अब ये 49/8 की गुणा मुझे किस में करनी है, 1/2 में, तो 49 = 49 और 8×2=16। अब आंसर क्या बना, वह परिमेय संख्या 49/16, या इसको सरल कर लो, 49 में 16 का भाग लगाएंगे, 16×3=48, 1 बचा तो कितना आया, 3/1/16। इस तरीके की परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ऐसे भी सही है और ये भी सही है। अब बच्चों नौवां प्रश्न है, -1/2/7 और 9/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 7 की गुणा 1 में करेंगे और 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो -1×7+2/7 है ना, तो कितना हो गया, ये 7×7=2 जोड़ा तो 9 हो गया, तो कितना आया, -9/7। ठीक है, अब हम अपने फार्मूले में इसको रख देंगे, q = 1/2 ब्रैकेट में पहली कौन सी है परिमेय संख्या, -9/7, प्लस दूसरी कौन सी है, 9/2। अब बच्चों हमें हर बराबर करना है, तो इसकी आपस में गुणा कर दो, 2×7=14, तो ये 14 कब होगा, जब 2 की गुणा इसमें करेंगे तो ऊपर नीचे कर देंगे,
ये 14 कब होगा? जब 7 की गुणा इसमें करेंगे तो ऊपर नीचे कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस 9 गुणा 2 बटे 7 गुणा 2 प्लस 9 गुणा 7 बटे 2 गुणा 7, ठीक है बच्चों, आ रही है ना बात समझ में। अब हमें सिंपल ये गुणा कर देनी है, माइनस के 9 दुनी 18 बटे 14, 7 दुनी 14 प्लस 9 सत्ते 63 बटे 7 दुनी 14। अब हमें क्या करना है, ये प्लस का है ये माइनस का है और हर मेरे बराबर हो चुके हैं, तो काम अब हम आसानी से कर देंगे। अब 63 में से 18 घटेगा तो कितना बचेगा, 45, तो कितना आया 45 बटे 14। अब Q बराबर कितना हो गया, इस 1 बटे 2 में गुणा कर देंगे किसने की, 45 बटे 14 की, तो 45 एकम 45 बटे 14 दूनी 28, तो आंसर क्या बना, वहां पर में संख्या 45 बटे 28 होगी, ठीक है बच्चों। चलो 10वां प्रश्न है, 1 बटे 2 ब्रैकेट में माइनस 2 बटे 3 प्लस 1 बटे 4 को परिमेय संख्या P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए और दिखाइए कि यह परिमेय संख्याओं माइनस 2 बटे 3 और 1 बटे 4 के बीच स्थित है। तो हमने इसको दिखाया P बटे Q के रूप में, तो कैसे किया, 1 बटे 2 और फार्मूले में रखा माइनस 2 बटे 3 प्लस 1 बटे 4। अब इसको हल किया, तो इस पहले हमें इसके हर बराबर करने होंगे, है ना, उससे पहले हम हल नहीं कर सकते। तो 3 चौक 12, तो 3 कब 12 होगा, जब इसमें 4 की गुणा कर देंगे, तो 4 की गुणा ऊपर नीचे कर दी, ठीक है। अब 4 कब 12 होगा, जब 3 की गुणा करेंगे इसमें, तो 3 की गुणा ऊपर नीचे कर देंगे, ठीक है, किया हमने। अब सिंपल हम गुणा कर देते हैं, माइनस के 2 गुणा 4 तो 4 दूनी 8, माइनस के 8 बटे 3 चौक 12 प्लस ये 3 एकम 3 4 तीन 12, तो अब हर बराबर हो चुका है, माइनस का 8 है और प्लस का 3 है, तो क्या करेंगे, माइनस के 8 में से 3 जब घट जाएगा तो किसका बचेगा, माइनस का 5 बटे 12 बच जाएगा। अब सिंपल हम इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5 बटे 12 दूनी 24, ये तो 5 एकम 5 हो गया ना, माइनस का 5 बटे 12 दूनी 24। अब सभी संख्याओं का आरोही क्रम करने के लिए इनका एलसीएम लेंगे, सभी के हर बराबर करने हैं ना अब हमें, तो माइनस 2 बटे 3 है, 1 बटे 4 है और माइनस 5 बटे 24 है, तो सभी का एलसीएम कितना आएगा, 24। 3 कम मेरा 24 हो सकता है, जब 8 की गुणा इसमें कर दें तो 8 की गुणा ऊपर नीचे कर देंगे, ठीक है, किया हमने। अब 4 कब 24 हो सकता है, 6 की गुणा इसमें करेंगे तो 6 की गुणा ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है, और ये तो 24 है ही, ठीक है, तो इसमें तो कुछ करना नहीं है। अब इसको हल कर लो, तो माइनस 2 गुणा 8 तो 2 अट्ठे 16, माइनस के 2 अट्ठे 16, 16 बटे 24, 3 अट्ठे 24 ये हो गया। अब ये 6 कम 6 बटे 4 छिंग 24 ये भी हो गया। अब माइनस का 5 बटे 24, अब हम क्या देखते हैं बच्चों, ये हमने सीखा हुआ है पिछले वीडियो में, माइनस में जो संख्या होगी जितनी बड़ी वो उतनी ही उससे छोटी होती है, कंपैरिजन में वो उतनी छोटी होती है। तो जैसे कि यहाँ माइनस का 5 बटे 24 है, तो यहाँ माइनस का 16 बटे 24 है, तो माइनस का 16 बटे 24 छोटा है, तो हम इसको आरोही क्रम में रखने पर माइनस का 16 बटे 24 पहले लिखेंगे, फिर इससे बड़ी रखेंगे माइनस के 5 बटे 24 को, फिर ये प्लस की संख्या है तो ये बड़ी है सबसे, तो ये बाद में आएगी 6 बटे 24। तो आंसर क्या बना, माइनस 5 बटे 24 दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में स्थित है, ठीक है बच्चों, आ गया ना हमारा आंसर। अब बच्चों यहाँ पर यह अभ्यास कंप्लीट होती है, आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा, ठीक है, फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आंसर करूंगी, एंड लाइक एंड शेयर भी करिए, ऑल द बेस्ट।